गुलबर्गा शहर में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के उर्स के मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से 16, 17 और 18 जून इन तीन दिनों के लिए कुछ खास अरेंजमेंट्स किए गए हैं। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अदुरू श्रीनिवासलु सर ने कहा, मुल्क भर से आने वाले जाहिरीन के लिए पीर बंगाली ग्राउंड, केसीटी कॉलेज ग्राउंड और नूरबाग एरिया में कार और बस पार्किंग जोन बनाया गया है। तमाम व्हीकल्स को इन जगहों पर पार्क करने के बाद जाहिरीन को दरगाह जाने के लिए मिनी बसेस का भी इंतजाम किया गया है। संदल, चिरागा और ज़ियारत लगातार तीन दिन ज़्यादा लोग हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह को विज़िट करते हैं। इन तीन दिनों के लिए जाहिरीन के साथ लोकल रेसिडेंट्स के लिए भी टीपू सुल्तान चौक, महबूब नगर चौक, हागरगा क्रॉस और रफीक चौक से दरगाह जाने वाली कार पर रोक लगाई गई है। और इसके अलावा ओल्ड रोज़ा पुलिस स्टेशन, छोटी देवड़ी, डंका, मुस्लिम चौक, इन जगहों से दरगाह जाने वाली कार्स और दीगर बड़ी व्हीकल्स को रोका जाएगा। आप तमाम से डीसीपी सर ने इन रूल्स को फॉलो करने की गुजारिश की है। और ख़ासकर चोर, पाकिटमार, मोबाइल स्नैचर, चैन स्नैचर से आप लोगों को चौकन्ना रहना होगा। आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपके बच्चे गुम हो जाए, आपके लिए दरगाह एंट्रेंस 11 सीढ़ियों के पास एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और स्क्रीन पर कंट्रोल रूम और रोज़ा पुलिस स्टेशन का नंबर भी दिया गया है। आप इस नंबर्स पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस मौके पर डीसीपी सर ने तमाम जानकारी देते हुए आप लोगों से हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के उरूस के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ख्वाजा बंदा नवाज 618 उर्स प्रोग्राम के लिए पुलिस तरफ से हम सारे अरेंजमेंट्स किया है। पहले ट्रैफिक तरफ से हमने पीर बंगाली ग्राउंड, नूरबाग और केसीटी कॉलेज ग्राउंड्स में पार्किंग अरेंजमेंट्स किया जाया है। दूसरे स्टेट से और दूसरे जगह से जो लोग फोर व्हीलर, कार, बस या किसी फोर व्हीलर व्हीकल में आ रहे हैं, उनके लिए हमने ये ग्राउंड्स, पार्किंग एरियाज प्रिपेयर किया है। उनका व्हीकल को हम हागरगा क्रॉस, टिप्पू चौक, महबूब नगर क्रॉस, रफीक चौक और वहाँ हमने स्टॉप करके MIT क्रॉस तरफ से हम पार्किंग को डाइवर्ट कर रहे हैं। और पार्किंग जगह से दरगाह तक, दरगाह तरफ से मिनी बसेस अरेंज किया है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उन लोगों ने उनका व्हीकल्स पार्किंग लॉट में पार्क करके दरगाह तरफ से अरेंज किया। जो बसेस मिनी बसेस में, उन लोग दरगाह को आ सकते हैं। सर, पार्किंग टू व्हीलर्स के लिए और कार के लिए अलग की गई है या दोनों एक ही जगह पार्क कर सकते हैं? एक ही जगह में सेपरेट सेपरेट आप पार्क कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग बसेस में और कार्स में आते हैं, उन सेम प्लेसेस में हम टू व्हीलर के अलग जगह और फोर व्हीलर के लिए अलग जगह अरेंज किया है। सर, उसके अलावा सर आपने कहा कि मेन रोड्स क्लोज हैं, सर तो ये लोकल लाइट्स के लिए और दोनों के लिए क्लोज रहेंगे सर? हागर क्रॉस, टीपू चौक आपने बताया, ये मेन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों के लिए हागर का क्रॉस, टीपू चौक, महबूब नगर क्रॉस, रफीक चौक, वहाँ स्टॉप करके MIT क्रॉस से डाइवर्ट करके पार्किंग को हम डाइवर्ट कर, संदराशवाड़ी जो क्रॉस, संदराशवाड़ी वो रोड ओपन रहता है। अच्छा, उन्नावा सर्कल से MIT क्रॉस आके आपको गन से होकर मुस्लिम चौक से राइट। और लोकल एड्स सब लोगों के लिए टिल डंका क्रॉस, मुस्लिम चौक, नूरबाग, लाडगी क्रॉस, ओल्ड पोली, रोजा पुलिस स्टेशन, छोटा देवडी, इन एरिया के लिए अप टू दिस एरिया अलाउड है और उसके बाद दरगाह तक अलाउड नहीं है। सो तीन दिन के लिए सभी लोगों हमसे कोऑपरेट करना मैं चाहता हूँ। उसके अलावा और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं सर? हाँ, हमारा तरफ से वहाँ लोकल आउटपोस्ट, ये उर्स टाइम पे हमने आउटपोस्ट अरेंज किया है। और हमने सारा पुलिस स्टेशन थ्रू द सिटी पुलिस स्टाफ और होम गार्ड्स और स्पेशल पार्टीज भी डिप्लॉय किया है। और स्पेशल क्राइम स्टाफ भी है, सो पिक पॉकेट, मोबाइल स्नैचर्स, चेन स्नैचर्स, उन पर भी बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका वैल्यूबल्स पे भी ध्यान रखना है। और कोई नुकसान हो तो हमारा
पुलिस स्टाफ और आवर कंट्रोल रूम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दरगाह प्रीमिसेस में जो प्रॉब्लम होता है हमारा आउटपोस्ट होगा और दरगाह से थोड़ा दूर बाहर हमारा ERS 112 भी अवेलेबल होता है। और जो आपको पुलिस इमीडिएटली कांटेक्ट करना है तो आप इमीडिएटली वहाँ आउटपोस्ट है वहाँ जा सकते हैं और फ़ोन पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है कि 0847-22-95-111 और हमारा सिटी पुलिस कंट्रोल रूम है 9480803616। और सभी प्रोग्राम के लिए यूट्यूब में टेलीकास्ट होगा और प्रेमिसेस में भी डिस्प्ले होगा और सभी एरिया प्रेमिसेस सभी CCTV से कवर हुआ है। और एक और बताना चाहता हूँ, सभी लोग मास्क पहनना है। सभी लोगों को काजा बंदा नवाज 6118 उर्स का मुबारकबाद।